আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। محترم معزز صدر جلسة قابل احترام سامعین स्टेज पर बैठे हुए ज़ीवकार उलमाए इकराम मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों, मोहतरम दोस्तों, मरकज़ी मौजू असल जो मौजू है हम सभी लोग उस मौजू से वाकिफ़ हैं और वह है क़ुरान की अज़मत। इस मौजू के अंदर जो जुज़वी मौजू हैं अनावीन, अलग अलग जो अनावीन हैं ज़ैली अनावीन, उसमें से एक उनवान क़ुरान से ताल्लुक़ रखने वाला कुरान मजीद का असर इंसान की ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है, इस उनवान पर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें मुझे आपके सामने बयान करनी। सबसे पहली चीज़, कुरान के ताल्लुक से कुछ बातें अभी हमारे साबिक साथी ने बयान किया है, अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद, उसकी अहमियत, उसकी फजीलत, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं और आपने होश संभाला है, कुरान की अजमत हम बराबर सुनते आ रहे हैं। उसकी अहमियत और उसकी फजीलत के ताल्लुक से हर ज़माने में, हर साल बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के अंदर अजमत कुरान, कुरान की अहमियत, तिलावत की अहमियत, इस मौजू पर कई बातें हमने सुनी हैं। मगर मेरे भाई, कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब है, अल्लाह का एक इतना अजीम मौजीज़ा है जिसके बारे में लाख कहा जाए, लाख सुना जाए, मगर ना काफी है, काफी नहीं है। हमारी जबानें थक जाएंगी इंशाल्लाह, हमारी उम्रें घट जाएंगी इंशाल्लाह, हमारी जिंदगी नाकाफी है इंशाल्लाह कुरान की अजमत को बयान करने के लिए। मगर जो मतलब, जो मानी, जो मोजिजात, जो अजाइबात अल्लाह ने कुरान में रखे हैं, हम सब मिलकर भी उसे बयान नहीं कर पाएंगे। आप यकीन कर लीजिए इस बात को, हम सब मिलकर भी असर से ईशान तक लगातार फजाइल बयान करते जाएं कुरान मजीद के, जबान थक जाएगी, तुम्हारे कान पक जाएंगे, लेकिन कुरान की फजीलतें खत्म